देश में जारी कोरोना महामारी व उससे पैदा हुए विकट हालातों पर विचार के लिए शुक्रवार यानी कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कोविड-19 की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा होगी। इसमें कुछ अहम फैसले भी किए जा सकते हैं। बता दें कि देश में कुछ दिनों से लगातार 3.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। 10 राज्यों में हालात खराब हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कुछ और अहम कदम उठा सकती है। सवाल ये भी है कि अब जब हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए हैं तो लॉकडाउन जैसे कड़े कदम भी आ सकते हैं क्या? सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को ये बैठक डिजिटल माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर फैलने के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद की ये पहली बैठक होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री इस संबंध में सरकारी अधिकारियों, दवा उद्योग के प्रमुखों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों आदि से भी कोविड-19 महामारी से निपटने के तौर तरीके के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।